तो और दोस्तों क्या हाल है, ये है गेमिंग इन फार साइड और अपन आज फिर से देख रहे हैं बैटलफील्ड 1। और फिर अपन अब उसकी आखिरी वाली वॉर स्टोरी में जाएंगे, इसका नाम है नथिंग इज रिटन। तो फिर ये क्या बोलते हैं, जॉइन लॉरेंस ऑफ अरेबिया इन हिज डेजर्ट कैंपेन अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो फिर ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट अब है, और फिर ये डेजर्ट वेजर्ट वाला है सब कुछ। हाँ चलो ठीक है, कुछ अपना बताएगा वो। फिर अपन सीधे जाएंगे उसके अंदर और देखेंगे कि इसमें क्या है। अल अजदार मेसोपोटेमिया स्प्रिंग 1918 द ग्रेट वॉर इन गल्स द ग्लोब। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 है, इसके बाद कर रहे हैं। इन द डेजर्ट ऑफ द मिडल ईस्ट अरब ट्राइब्स रिबेल अगेंस्ट देयर हिस्टोरिकल ऑपरेसर द ऑटोमन एम्पायर। टू काउंटर द अपराइजिंग द ऑटोमन्स डिप्लॉय देयर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज द एम्पायर डेवास्टेटिंग आर्टिलरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड आर्मर्ड व्हीकल्स एंगेज रेबल फोर्सेस वील्डिंग राइफल्स फ्रॉम द हॉर्सबैक। मतलब ये शायद घोड़े वगैरह पे। टी ई लॉरेंस एन अनकन्वेंशनल ब्रिटिश ऑफिसर वर्क्स विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ हाईली मोबाइल रेबल्स। दे कैन नॉट कन्फ्रंट द ऑटोमन फोर्सेस हेड ऑन, इंस्टेड दे मस्ट फाइट अनदर वे। फिर घोड़े वगैरह पे हैं और फिर क्या बोलते हैं, हेड ऑन तो नहीं कर सकते क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अपने को करना कोई कुछ ऐसा है कि कोई और टैक्टिक लेना पड़ेगा। तो ये पूरे गेम में मैंने अभी तक पूरा बस ऐसे देखा है कि गीला गीला और पत्थर और फिर ग्रे ग्रे ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन। तो ये पहली बार है कि कुछ और देख रहा हूँ। Oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. British, har jagah British hi bas. Taken to calling this man Lawrence of Arabia. Nothing is written. To kya bolte hain, good planning pe karte hain rely yahan pe. अच्छा, तो कोई ट्रेन वगैरह है और फिर ट्रेन का अब मुलाकात होने वाली है ट्रेन से। तो फिर देखते हैं कि क्या है वो रही ट्रेन की पटरी। और यूज करना टू स्पॉट एनिमीज, ये रहा ये कुछ 10-15 है शायद, लोग 7-8 लोग हैं। ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can unseen. तो फिर ठीक है, अपन मूव करेंगे अनसीन। और फिर क्या बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या बोलते हैं वो ज़्यादा थी, क्या बोलते उसे किंगडम्स वगैरह थे ज़्यादा। जर्मनी में भी किंगडम था, ऑटोमन एम्पायर वगैरह ये सब कुछ। F melee. Though powerful and efficient, firearms would often attract attention. You had to be prepared for the Ottomans to respond in kind. वहाँ एक दिख रहा है अकेला, और कोई तो नहीं है कोई। तो ये क्या स्टेल्थ वाला टाइप लग रहा है शायद। ये भी गया। होल्ड ई टू राइट हाउस, यूज बाइनोकुलर टू स्पॉट एनिमीज। अरे वाह, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में पहली बार आया है गेम लगता है, और फिर अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। मैंने इसके पहले थर्ड पर्सन में गेम ये देखा था नहीं तो कभी, और क्या पता आता हो, बस मुझे आता ना हो कि उसको कर कैसे हो। C to toggle left camera view. C से क्या होता है, देख लिया उसने। वो रहा एक गया, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, ये गया तीसरी गोली मारी। मतलब मैंने मरे तो अभी तक सिर्फ दो ही लोग हैं। तो
क्या बोलते थोड़ा सा उस साइड से हुक मारते। अरे तो ये तो लड़की लग रही है मुझे। इससे बढ़िया तो ये है यार, इससे हमारा मार लेंगे। ये गया, ये गया। और कहाँ है, और कहाँ, और कहाँ, और कहाँ? बोरा इधर भी है क्या? कोई और कोई है? नहीं, किधर गए सब? अरे बोरा 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 कहीं से आ रहे? ये आ गया, ये गया एक। और कहीं कुछ नहीं? चलो भाई घोड़े पे बैठे जाके, घोड़े पे क्योंकि बैठने कम मिलता है। टूट ड्रॉ सेबर, अरे वाह क्या बात है। चलो भाई घोड़े का वो तो अच्छा है, मूवमेंट वगैरह तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है कुछ भी कर लिया। इससे उतरते हैं और फिर शायद ऊपर चढ़ना है। नहीं, ऊपर चढ़ के देखते हैं। इंट यू कैन क्लाइम अप ऑन टू लो लेजेस, ई ओपन हैच। इसके अंदर कुछ है क्या? सर्च फॉर द कोड कोड बुक। ये रही, मिल गई। तो ऐसे कुछ अरेबिक वगैरह में लिखा है शायद, और कोड में। तो ये आ गए हैं। Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. अरे वाह, तो मतलब अपन अकेले हैं नहीं? और बेचारा। Actually, I was rather depending on it. Lawrence. अरे नहीं नहीं लड़की नहीं है, वैसे लगा था लड़की। Now the hunter becomes the hunted. अरे नहीं नहीं लड़की ही है। How enchanting you are, my dear. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free is it? You'll be free when you're dead. But I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. अपने ट्रेन आ गई। Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies. यार कोई मतलब पकड़े जाने पर भी कैसा ऐसे बन सकता है? अरे बाप रे। तो फिर क्या? कुछ नहीं, ट्रैक पे वो लगा दो डायनामाइट बस। ट्रेन तो बहुत वीक है। I'm sorry, my friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one. You can never stop the progress of machines. One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. पता नहीं इतने पकड़े जाने पे भी इतने फालतू बात कर रहा है, कोई डर नहीं है कि अपने साथ क्या होगा। तो ये था मेरे दोस्तों बिगिनिंग, क्या बोलते हैं कि क्या है कि और क्या है, किस टाइप किस टाइप का है, और बैटल फील्ड वन में मतलब ये था हमारा आखिरी वाला वॉर स्टोरी। तो फिर इसके बाद अब कोई नया गेम खेलेंगे, कोई देखेंगे कि मतलब और क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर अगर तुमको ये गेम अच्छा लगा हो तो फिर तुम खेल सकते हो, बहुत बढ़िया है। बैटल फील्ड वन है इसका नाम, और बढ़िया है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।